हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे हम पिछले क्लास में पढ़ चुके इकाई का अंक, आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड के बारे में। ठीक है, अब उसका मतलब क्या होता है फैक्टराइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? फैक्टराइजेशन, और हिंदी में गुणनखंड। ठीक है, अब चलो परिभाषा देखते हैं क्या क्या परिभाषा है। जैसे परिभाषा क्या है, कोई संख्या जिस किसी संख्या से, कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है वो उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। क्या है? कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। संख्या एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। संख्या एक क्या है? प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या उठा लोगे उसका एक गुणनखंड जरूर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या अगर है, जैसे तीन है, तीन स्वयं का गुणनखंड होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संख्या एक को छोड़कर, क्या? संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। ये संख्या हम दो को लेते हैं, संख्या दो के कम से कम दो गुणनखंड है। कौन कौन से? दो और एक। एक तो एक है, एक स्वयं अपने आप में है। ठीक है, लास्ट क्या है? प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। कोई भी संख्या अगर हम दो का पावर टेबल पढ़ते हैं तो उसमें कई गुणज होंगे। मल्टीप्लाई करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ, और क्या होगा, उसके अनंत गुणज मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई संख्या जिस किसी संख्या से विभक्त होता है उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। संख्या एक प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड होता है। संख्या एक क्या है? प्रत्येक संख्याओं का गुणनखंड होता है। ठीक है, संख्या स्वयं का गुणनखंड होता है। कोई भी संख्या वो अपने आप का गुणनखंड होता है। संख्या एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या के कम से कम दो गुणनखंड होते हैं। कोई भी संख्या है उनके कितने गुणनखंड होंगे? दो गुणनखंड होते हैं। ठीक है, प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज होते हैं। प्रत्येक संख्या के अनंत गुणज बताया मैंने कि टेबल होता है, टेबल में जितने मल्टीप्लाई करते जाओ उनके गुणज निकलते आएंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये होगा ना, जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उसमें आज हम देखेंगे। जैसे पूछा जाता है कुल गुणनखंडों की संख्या, मान लिया 120 दिया, 120 दिया, 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या पूछता है। पेपर में आ सकता है। ठीक है, चलो हम निकालते हैं, एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, चलो क्या लिखते हैं? कुल गुणनखंडों की संख्या। क्या लिखेंगे? कुल गुणनखंडों की संख्या। जैसे हमें नॉर्मल दो मेथड है, एक अल्टरनेट है, एक जनरल मेथड है, तो दोनों हम बताएंगे बारी बारी से। पहले हम जनरल मेथड से देखेंगे। जैसे मान लो 120, 120 का क्या निकालना है? कुल गुणनखंडों की संख्या। तो वैसे निकालेंगे, अब हम इसको डिवाइड कर, जिससे जिस संख्या से विभक्त होगा वो लिखते जाएंगे। पहले किससे होता है? एक से होता है, तो एक से हुआ तो 120 से भी होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अगर दो से विभक्त होगा तो 60 से भी होगा। ठीक है, अगर तीन से विभक्त होता है तो 40 से होगा, अगर चार से होता है तो 30 से होगा, पांच से होगा तो क्या होगा? 24 से होगा, छह से होगा तो किससे होगा? 20 से। ठीक है, 6 दूनी 12, मतलब 20 छक्का 120, या 6 बीस 120। ठीक है, 7 से होगा नहीं, 8 से करते हैं कितना हो जाएगा? अगर 8 से होगा तो 15 से भी होगा। ठीक है, अगर 10 से होगा, 9 से होगा नहीं, 10 से होगा, 10 से होगा तो 12 से होगा, अगर 12 से होगा तो फिर 10 से होगा, दोनों इसी में आ गया। ठीक है, कुल कितने गुणनखंड हो गए काउंट कर सकते हैं। अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या देखें, कुल गुणनखंड खंडों की संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने गुणनखंड संख्या है? 16। कुल कितने होंगे? 16 गुणनखंडों की संख्या होगी।
कुल कितने गुणनखंडों की संख्या हो गई 16। अगर सम गुणनखंडों की संख्या देखें, अब सम संख्याएं क्या होती है, सम गुणनखंडों की संख्या, ये जनरल मेथड है, ठीक है, सामान्य मेथड जो कोई भी लगा सकता है, अभी आसान वाला और बताएंगे, थोड़ा सा ट्रिक वाला, ठीक है। चलिए सम गुणनखंडों की संख्या देखें, सम गुणनखंडों की संख्या होती है जो दो से विभक्त हो जाए, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, जो दो से विभक्त हो जाए। इसमें कौन कौन से है, दो है, चार है, छ है, आठ है, दस है, बारह है, बीस है, चौबीस, तीस, चालीस, साठ, 120। कुल कितने गुणनखंड होंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। कुल कितने हो गए, बारह, और कौन कर लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह। कुल गुणन सम गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 12। सम संख्या वह होती है जो दो से विभक्त हो जाए, ठीक है। अगले आगे चलते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या अगर देखें, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो 12 हो गया, 12 कितना बचा, उसके बाद देख लो, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। क्या क्या बचा है, एक बचा है, तीन बचा है, और 15 बचा है। कुल मिला के विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, चार, क्या हो गया, चार, ठीक है। कुल गुणनखंडों की संख्या 16, भी पूरा अगर काउंट करते हैं तो कितना हो गया, 16। सम गुणनखंडों की संख्या, अब सम संख्या क्या होती है, सम संख्या जो दो से विभक्त हो जाए वो सम संख्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, जो दो से विभक्त ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या 12, विषम गुणनखंडों की संख्या 4। ये कौन सा मेथड हो गया, सामान्य मेथड। अगर इस तरीके से हम पेपर में लगाएंगे तो पेपर में लगाते रह जाएंगे एक ही क्वेश्चन, ठीक है। इसीलिए हम वैकल्पिक जो अल्टरनेट मेथड है उसका यूज करेंगे पेपर में, ठीक है। वो आसान भी पड़ेगा, जल्दी से आ भी जाएगा, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। हम ये देखें 120 के सामान मेथड, गुणनखंडों की कुल संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। अब इसका जो वैकल्पिक मेथड है उसको देखेंगे, ठीक है। वैकल्पिक मेथड क्या है, चलो वैकल्पिक मेथड सबको अगर एलसीएम लेना आता तो आसान है। जैसे हमें 120 है, 120 को फैक्टर करते हैं, देखो किस किस से कटेगा, दो से कटेगा, दो से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। अगर दो से 120 को डिवाइड करें कितना आएगा, 60 आएगा। अगर दो से 60 को काटें तो 30 आएगा। अगर दो से हम 30 को काटते हैं कितना आएगा, 15 को हम 3 से काटेंगे क्योंकि दो से कटेगा नहीं, 3 × 5 = 15, और 5 को 5 से काटेंगे, ठीक है। दो से काटे 60 आया, दो से 60 को काटे 30 आया, दो से 30 को काटे 15 आया, 3 को 15 से काटे 5 आया, 5 × 5 = 5, इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका हम जो है 120 का लिख लेते हैं, हमारा गुणनखंड क्या है, दो कितनी बार है, एक, दो, तीन, कितनी बार है, दो, तीन बार, तो इसके पावर क्या कर देते हैं, 3 कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद मल्टीप्लाई 3, 3 कितना है, 3 के पावर 1 लिख देते हैं क्योंकि 3 कुछ है नहीं, उस एक ही बार है तो 1 कर देते हैं, ठीक है। 5 के पावर 1 कर देते हैं क्योंकि 5 एक ही बार है। 120 का बाज गुणनखंड क्या हो गया, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। अब इसी से हम कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या सीखेंगे कैसे होता है, ठीक है। चलिए अगर हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, कुल गुणनखंडों की संख्या देखो, कुल गुणनखंडों की संख्या जो पावर में है, पावर में एक प्लस करके हम लिखेंगे, पावर में एक प्लस करके, पावर को एक प्लस करके, 3 है तो 3 की क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1, 3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना है, 1 है तो 1 + 1 कर देंगे, 5 की पावर 1 है तो 5
5 के पावर 1 प्लस 1 कर देंगे, अगर 2 होता तो 2 प्लस 1 कर देते, 3 होता तो 3 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। इसी तरह निकलेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, टोटल कितना होगा, 3 1 4, 1 1 2, 1 1 2, 4 दुनी 8, 8 दुनी 16, 4 दुना 8, 8 दुनी 16, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया 16। हम पहले भी निकाले थे कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी थी, 16 था, और यहाँ भी कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया 16 है। उतना काउंट करने से अच्छा है इस तरीके से लगाओगे तो आसान भी पड़ेगा, और अपने मन में भी कर सकते हो जो करना है, ठीक है। इसको ना लिख के डायरेक्ट करूँ, 3 1 4 × 2 × 2, ठीक है, 3 4 2 8 8 2 16, ठीक है। ये हो गया कुल गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या देखना है, विषम गुणनखंडों की संख्या हम देखते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका काम हो गया पहले, ठीक है। अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या देखें, तो विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, अब ये सम संख्या, सम जो सम के पावर होगा उसको हम छोड़ देंगे, जो विषम के पावर होगा उसके पावर में एक जोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब विषम क्या, 3 है, विषम है, इसके पावर क्या, 1 है, 1 प्लस 1, 5 के पावर क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 1 1 2, 1 1 2, 2 दूनी 4, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। उससे हम निकाले तो उससे पहले जो वहां सामान मेथड था वहां भी 4 आ रहा था, यहाँ भी 4 ही है, ठीक है। इस तरह हो गया, अब क्या करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, जो विषम संख्या, अगर विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने तो सम संख्या के जो है उसको छोड़ देंगे, और विषम संख्या के जो पावर है पावर में एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, विषम गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम आगे चलते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या हम यहाँ बता दे रहे हैं क्योंकि यहाँ मिटा दे रहे हैं इसको, देखो क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, देखो सम गुणनखंडों की संख्या जो सम के पावर में है, सम क्या है, 2 के पावर 3 है, उसको 3 को ऐसे लिख देंगे, क्या करेंगे, 3 को ऐसे लिख देंगे और सबके पावर में एक जोड़ कर, इसके पावर 1 है उसमें 1 जोड़ देंगे, इसके पावर 1 है उसको भी जोड़ देंगे, देखो क्या हो जाएगा, 3 × 2 × 2, 3 × 6 × 6 × 12, वहां भी 12 आ रहा था यहां भी 12 है। अगर इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आराम से कर सकते हो। कुल गुणनखंडों की संख्या 16 है, विषम गुणनखंडों की संख्या 4 है, और सम गुणनखंडों की संख्या क्या है, 12 है। एक बार और सम गुणनखंड वाला देख लेते हैं, अगर जो सम गुणनखंडों का अगर निकालना है तो जो सम संख्या के पावर में है, सम संख्या मतलब 2 2 3 4, इसी से 2 3 5 इसी से कटता है, किससे कटता है, अगर हम 120 का फैक्टर करेंगे तो 2 3 5 किसी का फैक्टर करोगे तो 2 3 5 यही सब संख्या है, ठीक है। और जो सम संख्या के पावर होगा उसको हम खाली एक पावर को सिर्फ ऐसे लिख देंगे, और जो विषम संख्या के पावर होगा उसमें एक जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे 3 3 के पावर 1 था उसमें एक जोड़े कितना हो गया, 2 हो गया, 5 के पावर 1 है तो एक जोड़े कितना हो गया, 2 हो गया, 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12, टोटल कितना हो गया, 12, ठीक है। सम गुणनखंडों की संख्या 12 हो गई, विषम गुणनखंडों का 4 हो गया, और कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गई, 16 हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। सामान मेथड एक बता दिए हैं, उसी तरीके से अगला भी होगा, ठीक है। हम वैकल्पिक मेथड का एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे हमें 135 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो, किसके 135 के, 135 के कुल गुणनखंडों की संख्या, किसकी संख्या, 135 के कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हमें फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो वैकल्पिक मेथड आसान है, उसी तरीके से हम लगा लेंगे, ठीक है। चलिए करते हैं,
135 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है। फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा, तीन से कटेगा। अगर तीन से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 5 15, ठीक है, 45 3 135। फिर किससे कटेगा, तीन से काटेंगे, अगर हम तीन से डिवाइड करते हैं तो 3 1 3, 3 5 15, ठीक है, 15 3 45, ठीक है। फिर हम किससे काटेंगे, तीन से ही काटेंगे, 3 5 15। अब लास्ट किससे काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 को 5 ही काट सकता और कोई संख्या नहीं काट सकता, ठीक है। अगर हम देखें 135 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 135 के अभाज्य गुणनखंड 3 के पावर 3 हो जाएगा। एक बार कटा, दो बार कटा, तीन बार कटा, तो 3 के पावर क्या हो गया, 3 हो गया। 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस देखते हैं, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। अब हम देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या 135 की, कुल गुणनखंडों की संख्या देखें, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, बताए थे कि पावर में 1 जोड़कर आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। 5 के पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर देंगे, पावर में 1 जोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 4, 1 1 2, कुल कितने हो गए, 8, कितना हो गया, 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। अब विषम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो विषम गुणनखंडों की संख्या उसी तरीके से जैसे हम पहले एग्जांपल में किए थे, 3 के 3 कितना है, 3 के क्या कर देंगे, 3 प्लस 1 कर देंगे, गुणे 1 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 1 3 1 4, 1 1 2, 4 2 8, जो कुल गुणनखंडों की संख्या होगी वही विषम गुणनखंडों की संख्या होगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं सम गुणनखंडों की संख्या, अगर हम सम गुणनखंडों की संख्या देखें, इसको मिटा दे, मिटा देते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी, देखो सम संख्या तो है नहीं, सम संख्या मतलब 2, अगर 2 के पावर होता है तो हम इसमें आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ सम संख्या है नहीं इसलिए सम संख्या गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, कुल गुणनखंडों की संख्या 3 प्लस 1, पावर में जो होगा उसमें 1 जोड़ के आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी 1 जोड़ के, 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1 मतलब 3 1 4 और 1 1 2, 4 2 8। यहाँ विषम गुणनखंडों की संख्या वही काम, यहाँ विषम के पावर में है तो विषम के पावर में 3, यहाँ भी वही काम कर लेंगे, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 3 1 4, 1 1 2, 4 2 8। असम गुणनखंडों की संख्या देखें तो सम संख्या के पावर तो कुछ है नहीं इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सम संख्या ही मान लो, मान लेते कि 2 होता, 2 के पावर कुछ होता तो आगे काम करते, इसलिए 2 के पावर कुछ नहीं है इसलिए हम सम गुणनखंडों की संख्या क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल और करते हैं, जैसे मान लो 30, 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या, किसके, 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों तरीका हमारे पास है, सामान्य मेथड और वैकल्पिक मेथड, ठीक है, एक जनरल मेथड है एक अल्टरनेट मेथड है, तो जो हमें आसान है उसी तरीके से कर लेते हैं, कौन सा, अल्टरनेट वैकल्पिक मेथड। 30 का अगर हम फैक्टर करें, 30 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 15 आएगा, फिर 3 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा, इतना काम सबको आना चाहिए, ठीक है, फैक्टर करना आना चाहिए, क्योंकि अगर 2 से काटे 30 को 15, 3 से 15 को काटे 5, 3 5 15, ठीक है, 5 1 5।
अगर 30 के अबाध गुणनखंडों की संख्या देखें तो 2 × 3 × 5 और एक कर देते, ठीक है, ये हो गया 30 के अबाध गुणनखंडों की संख्या। अब देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, 30 के कुल गुणनखंडों की संख्या, तीस के कुल गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, क्या हो जाएगा, पावर में एक जोड़ते हैं, जो पावर में होगा उसमें एक प्लस करके आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर में एक है तो एक में एक और जोड़ देंगे, 3 के पावर 1 है तो उसको उसमें भी एक और जोड़ देंगे, 5 के पावर 1 है तो उसमें भी वही काम करेंगे जो सब में करते आ रहे हैं। कितना हो गया, एक एक दो, कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, कुल गुणनखंडों की संख्या कितना आ गया, 8 आ गया। इसी तरीके से हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या देखें क्या, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, करें मल्टीप्लाई, देखो इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि सम के पावर में है, विषम वाले पावर में जो होगा, जो विषम संख्या होगी उसके पावर में होगा उसमें एक जोड़ कर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 के पावर 1 है एक इसमें जोड़ देंगे, 1 + 1, 5 के पावर क्या है, 1 है तो उसमें भी 1 + 1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1 1 2, 1 1 2, 2 2, 2 2 = 4, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई, ठीक है। इसी तरह सम गुणनखंडों की संख्या देखते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या हम ही कर लेते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगा, देखो सम गुणनखंडों की संख्या वही होगी, देखो क्या होगा, जो सम के पावर में होता उसको हम ऐसे लिख देते हैं, सम के पावर में क्या है, 1 है तो 1 को ऐसे लिख देंगे और सब में एक जोड़ कर लिखेंगे, 3 के पावर 1 1 लिख देंगे और यहाँ भी वही काम करेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 1 1 कम 1, 1 1 2, 1 1 2, 2 2 = 4, 4 1 = 4, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गया। हम सामान्य मेथड भी कर सकते हैं, ये वैकल्पिक मेथड है, ये आसान पड़ेगा पेपर में, जल्दी से क्वेश्चन करने में मदद करेगा, ठीक है। सामान वाला देखना है तो उसको भी दिखा दे, अगर 30 का हम फैक्टर करें, 30 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, अगर 1 से कटाया तो किससे, 30 से तो कटेगा ही, ठीक है, 2 से कटाया तो 15 से कटेगा ही, ठीक है, 3 से कटाया तो किससे, 3 10 से कटेगा, 10 3 30, फिर 5 से 5 = 36 और 6 से 6 = 30। अगर हम कुल गुणनखंडों की संख्या देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम संख्या है वह संख्या होती है जो 2 से विभक्त ना हो, ठीक है, विषम संख्या वह होती है जो 2 से विभक्त ना हो, तो इसमें कितनी संख्या है विषम है, 1 2 3 4, कुल कितनी विषम संख्या है, 4 है। सम संख्या कितनी है, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से विभक्त हो जाए, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, कुल कितनी विषम सम संख्या है, 4 है, 4 सम संख्या है, 4 विषम संख्या है, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 8 है। इसी तरह हम आसान से चाहे ये मेथड कर लेना, जो तुम्हें अगर ये ना आए तो इस तरीके से कर लेना, अगर आ रहा है वैकल्पिक मेथड तो ये सबसे आसान मेथड है, इस तरीके से हम कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इसी में, उसमें कुल गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग और सम गुणनखंडों का योग निकालेंगे, चलिए आगे करते हैं, चलिए हम देखते हैं कुल गुणनखंडों का योग। अब कुल गुणनखंडों का योग में सम गुणनखंडों का योग और विषम गुणनखंडों का योग है, ये लास्ट टॉपिक है, इससे इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन उसमें क्या कैसे है, क्या है कुल गुणनखंडों का योग, कौन सा टॉपिक है, कुल गुणनखंडों का योग, क्या देखेंगे, कुल गुणनखंडों का योग।
चलिए हम निकालते हैं 120 का, 120 का फैक्टर किए थे, फिर से फैक्टर कर लेते हैं। अगर 120 का फैक्टर करते हैं, समान मेथड भी है और अल्टरनेट मेथड भी है, तो हम इसी मेथड से करेंगे क्योंकि आसान पड़ेगा। अगर समान मेथड लगाना है तो भी बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ये आसान है, इस तरीके से कर लो, आसान पड़ेगा, ठीक है। अगर हम 2 का फैक्टर, 2 से 120 को काटे कितना आएगा, 60 आएगा। फिर 2 को, 2 से 60 को काटे तो 30 आएगा, और 2 से 30 को काटे तो 15, और ये 3 से कटेगा 15, 5, और 5 से कटेगा 5, 1 आ जाए। तो 120 के अभाज्य गुणन खंडों की संख्या क्या हो गई, 2 गुणे 2 के पावर कितना है, 1, 2, 3, 3 2 है तो 2 के पावर 3 हो जाएगा, और 3 के पावर 3 कितने हैं, 1 ही 3 है, 1 3 है तो 1 हो जाएगा, और 5 के पावर 1 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 5 एक ही बार है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कुल गुणनखंडों का योग। पहला, कुल गुणन खंडों का योग, कुल गुणन खंडों का योग क्या हो जाएगा, चलिए करते हैं। जैसे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है, इससे पहले संख्याएं क्या होगी, अगर 2 के पावर 3 लिखना चाहे तो 2 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ये हो जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 और 2 के पावर 3, ये बन जाएगा। चलिए इसी तरीके से सब में हम करेंगे, अगर 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ हम 2 के 2 का लिख दें, 2 के पावर 0 प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि योग निकालना है, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, ये हो गया। फिर बीच में गुणे का चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह लगा दो। 3 का लिखेंगे तो 3 के पावर 1 गुणे 3 के पावर, या 3 के पावर 0 कर दो पहले, 3 के पावर 1 यहाँ पे कर देते हैं। उसी तरीके से 5 वाले में कर देंगे, क्या आ जाएगा, 5 के पावर 0 गुणे 5 के पावर 1। और एक बात याद रखना, किसी संख्या के पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगा। इसी तरीके से हम यहाँ कर सकते हैं, अगर 2 के पावर 0 है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। प्लस अगर 2 के पावर 1 है तो उसका मान भी 2 होगा, 2 एक कम 2, और 2 के पावर 2 है तो 2 को गुणा 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ 4 लिख देते हैं, और 2 के पावर 3 है तो एक बार और हम 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। इसी तरीके से ये मत कर देना 2 के पावर 3 मतलब 2 क्या 6, ठीक है, इस तरीके से नहीं, 2 का गुणा 3 तीन बार होगा 2 में, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया। पूरे 3 के पावर 0 मतलब 3 के पावर कुछ भी हो, मतलब 0 हो, किसी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, मैंने पहले ही बताया। यहाँ पे गुणे का चिन्ह नहीं होगा, प्लस का चिन्ह होगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा। 3 के पावर 0 है तो 1 हो जाएगा, प्लस 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया, और यहाँ 5 के पावर क्या हो जाएगा, 0 है तो इसका मान क्या हो गया, 1, और 5 के पावर 1 है तो मतलब 5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से 2 के पावर 0 तो 1 हो गया, 2 एक कम 2 हो गया, 2 का गुणा 2 में, 2 दूनी 4, और 2 के पावर 3 है तो 2 को गुणा 3 बार करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, 8 हो जाएगा। इस तरीके से हम कर लेते हैं। अगर देखें, 1 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 3 4 3 7, 7 8 7 कितना हो जाएगा, 15 गुणे 3 1 4 5 1 6, गुणा कर लेते हैं, 15 चौके 60 गुणे 6, 6 में 60 में 6 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 360। कुल गुणन खंडों का योग कितना आ गया, 360 आ गया, ठीक है। अगर हमें निकालना है कुल गुणन खंडों का योग तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसका विषम गुणन खंड देखते हैं और सम गुणन खंड, इसको हम थोड़ा मिटाते हैं इधर साइड में, ये मिटा दे, चलो ये देख लिए हो, इसको मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लेना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अगर हमें निकालना है विषम गुणनखंडों का योग, किस क्या निकालना है,
विषम गुणन खंडों का योग, क्या करेंगे? विषम गुणन खंडों का योग, गर्मी ज्यादा है यार इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है यार। विषम गुणन खंडों का योग, ठीक है, अभी हम दिखा देते कुल गुणन खंडों का योग। अब क्या निकालेंगे? विषम गुणन खंडों का योग। विषम गुणन खंडों का योग कैसे निकालेंगे? हम सम के जो पावर है उसको हम छोड़ देंगे, क्या कर देंगे? उसको छोड़ देंगे, और जो विषम वाले होंगे उनको उसी तरीके से कर लेंगे जैसे अपने अभी किए थे। यहाँ पे आ जाओ, जैसे 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 गुणे 5 के पावर क्या है? 1 है, तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 के पावर 0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, और 3 एक कम 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 के पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, और 5 एक कम 5 हो जाएगा, तो कितना हो गया? 3 एक 4, 5 एक 6, 6 5 तीस, कितना हो गया? 30। विषम गुणन खंडों का योग देखें तो कितना है? 30 है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सम गुणन खंडों का योग निकालेंगे, निकालते हैं सम गुणन खंडों का योग। सम गुणन खंडों का योग कैसे निकालेंगे? अब इसमें जो सम के पावर में उसको भी लेके चलेंगे, बस एक काम करेंगे, जो 2 के पावर 0 होगा उसको छोड़कर और हम सारे काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? 2 के पावर छोड़ देंगे, 2 के पावर 0 को छोड़ देंगे। अगर 2 के पावर 0 को लेते तो उसका मान क्या हो जाएगा? 1, ठीक है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। 2 के पावर 1 उठाएंगे प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3, इसमें ये भी ले लेंगे, विषम गुणन खंड भी ले लेंगे, जो इसमें ये है क्या नाम, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 0 इसमें लेंगे, और क्या हो जाएगा? 3 के पावर 1, यहाँ भी काम करेंगे, 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1, ठीक है। 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 दूनी 4, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? 3 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 1 मतलब 3, 5 के पावर 0 का मतलब 5, 5 के पावर 0 का मतलब 1, किसी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। 5 के पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, और 5 एक कम 5, ठीक है। यहाँ 4 2 6, 6 8 14, ठीक है, गुणे 3 1 4, 5 1 6, अब गुणा कर लेते हैं, 14 14 चौके 56, 56 में 6 का गुणा कर लो, कर लेते हैं 36 के 6, 6 5 30, 30 और 3 33, कितना हो जाएगा? 336। तो हम देखें सम गुणन खंडों का योग कितना आ गया? 336। विषम गुणन खंडों का योग 30, और कुल गुणन खंडों का योग कितना आया था? 360 आया था। एक बार सम गुणन खंड वाला देख लेते हैं, क्योंकि इसमें 2 के पावर 0 को नहीं लेना। क्या नहीं लेना? 2 के पावर 0 को नहीं लेना है, और 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 को लेना है, वैसे और सारी संख्याएं लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा? आ गया 336, ठीक है। विषम गुणन खंडों का योग देखते हैं, 3 के पावर 0 है, ठीक है। अब इसमें विषम गुणन खंडों का योग देखना है तो हम सम गुणन खंडों का सम के पावर जो होगा उसको छोड़ देंगे, और विषम वाले संख्या हम ले लेंगे, विषम अभाज्य गुणन खंड ले लेंगे। अभाज्य गुणन खंड में ये 3 और 5 वाला लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा, यहाँ से 30 आ गया, ये कितना आ गया? 336। और कुल कितना आया था? कुल गुणन खंडों का योग 360 आएगा। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ठीक है, चले शुरू करते हैं। थोड़ा उसमें क्वेश्चन में मिस्टेक होगा, जैसे विषम गुणन खंडों की संख्या निकालना, योग निकालना था। तो आज 6 गुणे 4 है, 6 गुणे 4 क्या आएगा? 6 गुणे 4 इसमें गुणा करोगे तो 24 आएगा, गलती से यहाँ पे 30 30 लिख उठा है, ठीक है, इसलिए इसके लिए सॉरी। गर्मी बहुत है इसलिए दिक्कत हो रही है यहाँ पे, इसलिए अपसेट हो गया मैं, ठीक है। शुरू करते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे हमें 135 के कुल गुणन खंडों का योग निकालना, किसके? 135 के कुल गुणन
गुणनखंडों का योग। योग ठीक है, उसको सुधार लेना, विषम गुणन खंडों का योग। वहां पे 6 × 4 होना चाहिए, वहां पे हम 30 गलती से लिख दिए, होना चाहिए 24। ठीक है, उसको सुधार लेना। ठीक है, हम 135 के कुल गुणन खंडों का योग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? उसी तरीके से वैकल्पिक मेथड। 135 का फैक्टर करेंगे तो किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 45 आया। 3 से काटो कितना है? 15 आएगा। फिर 3 से काटोगे 5 आएगा, और 5 से काटोगे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर इसका हम देखिए अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1। ठीक है, कुल गुणनखंडों का योग देखिए, तो कुल गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? वही काम करेंगे, 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1 + 3 के पावर 2 + 3 के पावर 3 × 5 के पावर 0 और 5 के पावर 1। ठीक है, इस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, उसको लगाएंगे। ठीक है, 3 के पावर 0 का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो 3 के पावर 1 मतलब 3 हो गया। 3 के पावर 2 का मतलब 3 × 3, 3 × 2 = 9 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, मत 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 करना, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और 3 के पावर 3 का मतलब 27 हो गया, 3 × 3 × 3 कितना हो गया? 27 हो गया। वैसे यहाँ पे हो जाएगा 5 के पावर 0 मतलब 1, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मिस्टेक, 5 के पावर 1 है तो 5 × 1 = 8 हो गया। अगर देखें तो 1 के पावर 3, 1 × 3 = 4, 4 × 9 = 13, और 27, 13 × 27 = 40 कितना हो गया? 40, 5 × 1 = 6, अगर गुणा करें 6 × 6 = 24 कितना हो गया? 240। कुल गुणनखंडों का योग कितना आया? 240। कुल गुणनखंडों का योग कितना आया? 240। कुल गुणनखंडों का योग कितना है? 240। सम गुणनखंडों का योग हम देखेंगे, सम गुणनखंडों का योग क्या देखेंगे? सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? क्योंकि सम वाला, सम के पावर तो कुछ है नहीं, यहाँ सम वाली संख्या है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और विषम गुणनखंडों का योग देखें, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? अगर हम काम करेंगे फिर वही काम करना पड़ेगा, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 5 के पावर 0, 5 के पावर 1। ठीक है, वही काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वही निकल के आएगा, कितना आएगा? 240। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 240 विषम गुणन खंडों का योग क्या हो जाएगा? 240। और सम गुणन खंडों का योग क्या हो जाएगा? 0। और कुल गुणन खंडों का योग क्या हो जाएगा? 240। अगर यहाँ पे सम वाला नहीं है तो जो कुल गुणन खंडों का योग होगा वही विषम गुणन खंडों का योग होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सम वाला संख्या नहीं है, दो दो वाला दो नहीं है, तो क्या हो जाएगा? जो विषम कुल गुणनखंडों का योग होगा वही सम गुणनखंडों का योग होगा। सम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और विषम गुणनखंडों का योग वही हो जाएगा जो कुल गुणनखंडों का योग है। ऐसे याद रखना, अगर ऐसे है तो सम गुणनखंड क्या हो जाएगा? योग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कुल गुणनखंडों की संख्या बराबर विषम गुणनखंडों की योग का योग, कुल गुणनखंडों का योग बराबर विषम गुणनखंडों का योग। ठीक है, अगर जितना ये है उतना ही विषम गुणनखंडों का योग हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह हम क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक क्या क्या हो गया? कुल गुणनखंडों की संख्या निकाले, कुल गुणनखंडों का योग निकाल लिए। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन आ गया, 2 के पावर 13, 3 के पावर 18, 5 के पावर 19, 7 के पावर 12 के कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग। तो क्या करेंगे? पावर को आपस में हम जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग, कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग बराबर क्या हो जाएगा? 13 + 18 + 19 + 12। क्या करेंगे? घातों को आपस में हम जोड़ लेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग निकल आएगा। कितना हो जाएगा? 13, 18, 19 + 12।
ठीक है, इसको आपस में हम जोड़ लेते हैं, 2 9 2 9 2 11 हो जाएगा 11 11 8 19, 19 3 22 के 2, ठीक है, 1 2 3 4, और क्या हो जाएगा 4 2 6, कितना आ गया 62 आ गया। क्या आ गया कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग, क्या हो गया 62। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे हो गया 4 की पावर 16, 4 की पावर 16 करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन, 4 की पावर 16, 5 6 के पावर 4, और यहाँ पे 10 के पावर 9, क्या हो गया। इसको कैसे करेंगे, क्या निकालना, के कुल अभाज्य गुणन खंडों का योग, के कुल अभाज्य गुणन खंडों का योग कैसे बताएंगे। देखो हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, अगर फैक्टर 4 का फैक्टर हम करें तो 2 गुणे 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2, हम पावर 16 कर सकते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे 2 गुणे 2, यहाँ भी वही काम होगा, 6 6 का फैक्टर करेंगे 2 गुणे 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ 2 गुणे 5 कर देंगे, 10 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुणे 5 बराबर क्या हो जाएगा पावर 9। यहाँ से हम बोल सकते हैं 2 के पावर 16, इस 2 के पावर 16 आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन पढ़े हैं, अगर ए बी के पावर एन है, फार्मूला पढ़े होगे, ए और बी के पावर एन है तो ए के पावर एन हो जाएगा, बी के पावर एन हो जाएगा। इसी तरीके यहाँ क्या हो जाएगा, 2 के पावर 16 गुणे 2 के पावर 16, 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4, 2 के पावर 9 गुणे 5 के पावर 9, ठीक है। इस तरीके से हम सारे पावर्स को जोड़ लेंगे, पावर्स को जोड़ेंगे, 16 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4, 16 प्लस 16 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, इस तरीके से कर लेते हैं, 16 16 32 32 4 36 36 4 40 40 9 49 49 9 9 18 58, क्या हो जाएगा कुल अभाज्य गुणनखंडों का योग, क्या हो जाएगा 58 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम गुणनखंड का चैप्टर करेंगे, ठीक है, आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, हम अगले टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।